राधे राधे फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी एस सिक्स सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर थ्री ठीक है किसका मैथ्स का चैप्टर नंबर थ्री ठीक है और ये जो लेक्चर है किसका है मैट्रिक स्पेसिस का देखिए बी एस सी सिक्स सेमेस्टर में मैथ्स की तीन बुक लगी हुई हैं जिनके नेम है पहली बुक आप कह सकते हैं बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एन ए सेकेंड बुक है ऑपरेशन रिसर्च जिसको हम बोलते हैं ओ आर उन दोनों के लेक्चर्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी उन दोनों बुक के जो वीडियोज़ हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं वो बुक दोनों ही कवर हो चुकी हैं सो so, वो अगर आपको देखने हैं उन बुक्स के लेक्चर्स वीडियोस तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है उसकी बनी बनाई प्ले का तो आप वहाँ से जाकर उन दोनों बुक्स की वीडियोज़ देख सकते हैं साथ ही साथ जो इसकी थर्ड बुक है उसमें दो बुक कम्बाइन है एक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और दूसरी है मैट्रिक स्पेस दो बुक कंबाइन करके एक बुक बनाई गई है सो so, जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला पार्ट था वो भी कंप्लीट हो चुका है उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में नाइन टू टेन चैप्टर्स हैं जो मैंने पढ़ाए हैं उसमें से पढ़ सकते हैं अब इसका लास्ट पार्ट चल रहा है इस बुक का मैट्रिक स्पेस इसके बाद बी एस सी सिक्स सेमेस्टर के मैथ्स कम्प्लीट ठीक है तो मैट्रिक स्पेस जो इसका अलग से सेक्शन है उसमें फाइव चैप्टर्स दिए हुए हैं मैट्रिक स्पेसिस के जिसमें से मैं एक चैप्टर्स में करा चुकी हूँ मैट्रिक स्पेसिस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक स्पेसिस इसके प्रीवियस के लेक्चर देखने हैं वो पूरी एक ही लिस्ट है पूरी एक ही प्लेलिस्ट है बी एस सी सिक्स सेमेस्टर मैथ्स करके उसमें आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी प्रीवियस बुक्स की भी प्रीवियस सेमेस्टर की भी और सॉरी uh, प्रीवियस चैप्टर्स की भी प्रीवियस सेमेस्टर की चाहिए फोर्थ फिफ्थ की तो उनकी अलग अलग प्ले लिस्ट है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी मैं प्रीवियस चैप्टर बोल रही थी सेमेस्टर निकल गया प्रीवियस चैप्टर जो हैं जो कराए हैं उनकी भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी सो हम इसमें चैप्टर नंबर थ्री आज डिस्कस करेंगे मैट्रिक स्पेस का सो चैप्टर नंबर थ्री जिसका नेम है कॉन्टीन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी इन मैट्रिक स्पेस यानी कि हम यहाँ पर मैट्रिक स्पेस बुक का ही नेम है मैट्रिक स्पेस में हम जानेंगे कॉन्टीन्यूटी और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्या होता है वैसे तो सिंपल लैंग्वेज में क्वान्टूटी आपको पता ही है क्या करते हैं हम क्वान्टूटी चेक करने के लिए कोई फंक्शंस दिया होता है तो उस उसमें हम क्वान्टूटी कैसे चेक करते हैं और यूनिफॉर्म क्वान्टूटी बट मेट्रिक स्पेस में आपको यहाँ पर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे यहाँ पर आपको डेफिनेशन्स मिलेंगी जो मेट्रिक स्पेस बुक है वो पूरी थियोटिकल बुक है इसमें भर भर के थियोरम्स हैं आपको थियोरम्स मिलेंगी और डेफिनेशन्स मिलेंगी तो इस बुक से जो भी एग्ज़ाम में आएगा वो आपके लिए क्या आएगा थ्योरम्स आएंगी और डेफिनेशन्स आएंगी डेफिनेशन्स मोस्ट ऑफ आपकी वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में पूछी जाती हैं लॉन्ग में तो मतलब लॉन्ग के पार्ट्स बना दिए जाते हैं सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है तो आ जाती हैं अदरवाइज लॉन्ग में डेफिनेशन केवल डेफिनेशन नहीं आती है वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में आती हैं शॉर्ट में भी अगर डेफिनेशन आती हैं तो टू से थ्री डेफिनेशन बनती हैं एक शॉर्ट के लिए एक क्वेश्चन के लिए सो so, डेफिनेशन्स को जानना भी ज़रूरी है तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे से उसको लिख पाएंगे और आ जाता है ऐसा नहीं है मैट्रिक स्पेस से भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं काफ़ी सारे टॉपिक्स आ जाते हैं सो डिस्कस कर लेते हैं आज हम चैप्टर नंबर थ्री के बारे में कॉन्टीटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी इन मैट्रिक स्पेस तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल कॉन्टीन्यूटी क्या होती है इन मैट्रिक स्पेस वो जानते हैं तो कुछ डेफिनेशंस मैंने नोट कर रखी हैं यहाँ पर ये मेरे खुद के खुद की राइटिंग के नोट्स हैं तो इसको अच्छे से आपको समझ लें कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इनकी पीडीएफ चाहिए हो तो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मैं आपको अवेलेबल कर दूंगी और डाउट्स आपके जितने भी होंगे क्लियर कर दूंगी सो लेट्स स्टार्ट स्टार्ट करते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी है फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टीन्यूटी लेट एक्स कॉमा टी एंड वाई कॉमा यू बी एनी टू टोपोलॉजिकल स्पेसिस देखिए टोपोलॉजिकल जो था वो सेकेंड चैप्टर था इस बुक का सेकेंड चैप्टर था टोपोलॉजिकल स्पेस जो मैंने अभी नहीं पढ़ाया है सो so, मैं उसको बाद में डिस्कस करूंगी अभी आप बस इतना समझिए कि यहाँ पर दो टॉपोलॉजिकल स्पेस हैं जिस तरह से मैट्रिक स्पेस होते हैं उससे डिफरेंट होते हैं टॉपोलॉजिकल स्पेस बट अभी समझिए यहाँ पर कि टॉपोलॉजिकल स्पेस लिए हैं मैंने दो वो क्या है एक्सकॉमा टी एंड वाई कॉमा यू ठीक है फिर हमने उसमें मैपिंग लगाई है दो टॉपोलॉजिकल स्पेस में मैपिंग लगाई है ये मैपिंग को डिनोट करती है इस तरह से एफ रेशो एक्सकॉमा टी एरो साइन लगा के वाईकॉमा यू मैपिंग लगाइए बी अ मैप लिखा भी एक मैप है द मैप इज सेट टू बी कॉन्टीन्यूस एट ये जो मैपिंग हमने की है ये जो मैप लगाया है ये कैसा होगा कॉन्टीन्यूस होगा कॉन्टीन्यूस क्या रहेगा एट एक्स बिलोंग्स टू एक्स मतलब जो कैपिटल एक्स में एक्स नॉट बिलोंग करेगा इफ एनी गिवेन यू ओपन एच कंटेनिंग एफ एक्स नॉट देयर एक्सिस्ट आर टी ओपन सेट जी यहाँ पर ये एच जो है टी जो है ये सब सेट्स हैं ठीक है ओपन सेट जी कंटेनिंग एक्स नॉट सच देट एफ जी सबसेट है एच का अब देखिए इसको समझते हैं कि मैंने ये क्या बोला अगर कोई भी दो टॉपोलॉजिकल स्पेस हमने लिए हैं उसमें मैपिंग लगाई है तो वो मैपिंग जो है वो कॉन्टीन्यूस कहलाएगी सॉरी वो जो उसकी मैप है वो कॉन्टीन्यूटी कहलाएगा कब कहलाएगा कॉन्टीन्यूस कहलाएगा जब कोई सेट होगा यू जो कि ओपन होगा उसमें कोई एक और सेट होगा एच जो कंटेन कर रहा होगा यहाँ पर कोई एलिमेंट होगा इफेक्ट्स नॉट उसमें हमने f इस तरह से फंक्शन लिया है t ओपन सेट होगा t एक कैसे सेट होगा ओपन सेट होगा g कंटेन करेगा इस तरह से g सब सेट होगा h का तो वहाँ पर वो कॉन्टीन्यूटी प्रजेंट करेगा और कॉन्टिनस दिखाएगा उस मैपिंग को क्लियर अब हमने पढ़ी कॉन्टीन्यूटी एक मैपिंग में अब हम पढ़ेंगे कॉन्टीन्यूटी इन अ सेट सेट में हम पढ़ेंगे कि कॉन्टीन्यूटी कैसे होती है तो देखिए ध्यान से थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए बिकॉज़ जो ये मेट्रिक स्पेस की जो चैप्टर्स हैं उनकी जो डेफिनेशंस हैं थोड़ी सी लॉजिकल ज़्यादा हैं इनका लेवल थोड़ा अप है और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकती हैं और बोरिंग भी लग सकती हैं पढ़ने में कोई बड़ी बात नहीं है बट कोशिश अगर आप करेंगे कि समझनी है याद करनी ही है इनको दिमाग में बिठाना ही है तो हो जाएगा ठीक है बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको समझ में आ जाए कॉन्टीन्यूटी इन अ सेट ऑफ फंक्शन एफ़ एक्स टी मैपिंग है वाई टू वाई यू इस सेट टू बी कॉन्टीन्यूस ऑन अ सेट कोई भी मैपिंग है जो क्या है कॉन्टीन्यूस है जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी ऑन अ सेट किसी सेट में ए सबसेट है एक्स का कोई सेट है ए कोई दूसरा सेट है एक्स वो सबसेट है मतलब कोई एक्स का ही सबसेट है ए ठीक है एक्स का ही एक सबसेट है ए इफ इट इज़ कॉन्टीन्यूस एट ईच पॉइंट कोई कॉन्टीन्यूस है फंक्शन उसके बाद वो सबसेट होता है तब होगा यदि इट इज़ कॉन्टीन्यूस एट ईच पॉइंट ए वो कॉन्टिन्यूस होगा जो उसका सबसेट की जो कंडीशन है वो कॉन्टीन्यूस होगी एट ईच पॉइंट ए ए के सारे पॉइंट्स पर कॉन्टीन्यूस होगी तो वो जो कंडीशन कहलाएगी वो कहलाएगी कॉन्टीन्यूटी इन अ सेट किसी भी सेट की कॉन्टीन्यूटी कहलाएगी ठीक है आई बात समझ में अब पढ़ते हैं कन्वर्जेंसी कन्वर्जेंसी क्या होती है इन मैट्रिक स्पेसेस आ सीक्वेंस एक्सन इन आर टोपोलॉजिकल स्पेस कोई सिक्वेंस है एक्सन एक्स एन मतलब एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर ऐसे होगा तो सो ऑन तॉ लिख दे एक्सएन कोई सिक्वेंस है एक्सएन इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस में एक्स थ्री इज सेट टू बी कन्वर्जेंस वो कैसा कहलाएगा कन्वर्जेंस कहलाएगा एट अ पॉइंट किसी भी पॉइंट पर एट अ पॉइंट एक पॉइंट पर एक्स एन टेंस टू एक्स टू एक्स नॉट सॉरी एक्सन जो होगा मतलब जो सिक्वेंस होगा वो एक्स नॉट टफ होगा इफ गिवन एनी जी बिलोंग्स टू टी कि जी बिलोंग कर रहा है टोपोलॉजिकल स्पेस से या टी सेट से विथ एक्स नॉट जो एक्स नॉट हमने लिया है कि वो टेंस कर रहा है सिक्वेंस को वो एक्स नॉट जो एलिमेंट होगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा जी से देर एक्जिस्ट एक्स नॉट बिलोंग्स टू एन सच देट फॉर एवरी कंडीशन एन जो है वो हमेशा ग्रेटर दैन एंड इक्वल होगा एन नॉट के एक्स एन बिलोंग्स करेगा जी से देखिए ये जो कंडीशन मैं नीचे बता रही हूँ ना इसका जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ाया मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक स्पेस उसमें भी मैंने कन्वर्जेंसी वाले के बारे में बताया था कन्वर्जेंसी का टॉपिक था तो उसमें भी नीचे सेम यही सब कंडीशन थी कि जो एन नॉट होगा वो बिलोंग करेगा कैपिटल एन से यानी कि नेचुरल नंबर से तो उस टाइम पर जो कंडीशन बनेगी तो इस तरह से लिखते हैं उसको सच दैट एन ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा एन नॉट से जब एक्स नॉट बिलोंग कर रहा है जी से और एक्स नॉट जो है वो इक्वल होगा कहीं ना कहीं एन नॉट के तो वो एक्स एन भी बिलोंग करेगा जी के ये होती है कन्वर्जेंसी की कंडीशन अब पढ़ेंगे सिक्वेंशली कंटिन्यूस ठीक है कि सिक्वेंशली कंटिन्यूस कैसे होता है कोई भी फंक्शन ठीक है तो देखिए सिक्वेंशली कंटिन्यूस कैसे होता है लेट एफ एक्स टी वाई यू बी अ मैप देन एफ इज सेट टू बी सिक्वेंशली कॉन्टीन्यूस एंड एक्स नॉट बिलोंग टू एफ इफ फॉर एवरी सिक्वेंस एक्स नाट कन्वर्जिंग टू एक्स नॉट ये बोल रहे हैं कि अगर कोई मैपिंग है और उस मैपिंग में कोई भी एफ फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस सिक्वेंशली कॉन्टीन्यूस तब कहलाएगा जब कहलाएगा जब उसके फॉर एवरी सिक्वेंस उसके सारे सिक्वेंस कैसे होंगे कन्वर्जिंग होंगे टू एक्स नॉट में उसके सारे सिक्वेंस कैसे होंगे कन्वर्जिंग होंगे कन्वर्जेंस की कंडीशन यती थी उसके सारे सिक्वेंस कन्वर्जिंग होंगे टू एक्स नॉट में देन द सिक्वेंस एफ एक्स नॉट कन्वर्जिंग टू एफ एक्स नॉट मतलब एक्स एन जब होगा कन्वर्जिंग एक्सनॉट में उसी तरह से जब हम इस पे फंक्शन लगा देंगे एफ एक्स एन भी होगा किस में कन्वर्जिंग एफ एक्सनॉट में तो वो आपका सिक्वेंशली कॉन्टिनस कहलाएगा अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टिक कर लीजिए इसको ये एग्जाम्स में आ जाता है होमोमॉरफिज्म होम्योमॉरफिज्म और टोपोलॉजिकल मैपिंग टोपोलॉजिकल मैपिंग भी बोलते हैं होम्योमॉरफिज्म को टोपोलॉजिकल मैपिंग भी बोलते हैं अब ये क्या है अब मैपिंग एफ एक्स कॉमा टी टेंस टू वाई कॉमा टी वाई कॉमा यू सॉरी इस सेट टू भी ये यहाँ पर यू ई है होम्योमोरफिज्म कोई भी मैपिंग होम्योमोरफिज्म कब कहलाएगी जब उसमें ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों को एकदम से ईजी भी है समझ में भी आ जाता है उसकी तो डेफिनेशन एग्जाम्स में पूछ लेते हैं प्रीवियस सेम का उठाकर देखना उसमें शॉर्ट में आई थी डेफिनेशन होम्योमॉरफिज्म की साढ़े सात नंबर में आई थी ठीक है तो होम्योमॉरफिज्म क्या होता है टोपोलॉजिकल मैपिंग क्या होती है होम्योमॉरफिज्म होता है कोई भी मैपिंग होम्योमॉरफिज्म मैपिंग कहलाएगी या टोपोलॉजिकल मैपिंग कहलाएगी कब कहलाएगी जब एफ इज़ वन वन ऑन टू मैपिंग पढ़ी है आपने एफ़ जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा आपका वन वन होगा और ऑन टू होगा जब वन दो सेट्स दे रखे हों और दो सेट्स की मैपिंग होती है एक एक एलिमेंट से तो उसको वन वन बोलते हैं इमेज बनती है ठीक है ऑन टू किसी एक ही एलिमेंट की दो इमेजेस बनती हैं मतलब एक ही एलिमेंट element, दो एलिमेंट्स की एक इमेज बनती है तो उसको बोलते हैं ऑन टू मैपिंग ठीक है mapping, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ जैसे ये दो सेट्स हैं दो सेट्स हैं यहाँ पर लिखा है वन एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री यहाँ पर लिख दूँ वाई वन वाई टू एंड वाई थ्री ये इमेज़ हैं ये सेट्स हैं तो जब इस तरह से मैपिंग होती है तो वो होती है वन टू मतलब एक की एक ही इमेज बन रही है जब दो एलिमेंट्स की एक इमेज बनी यानी कि एक्स वन की भी वाई वन है और एक्स टू की भी वाई वन है एक्स टू की भी वाई वन है तो वो होती है ऑन टू मैपिंग तो वन वन और ऑन टू मैपिंग तो आप पढ़ कर आए होंगे तो जब कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू होगा और साथ ही साथ फंक्शन और उसका इन्वर्स एफ़ एंड एफ इन्वर्स आर कॉन्टीन्यूस दोनों ही दोनों कैसे होंगे कॉन्टीन्यूस होंगे देन इन दिस केस एक्स वाई आर सेट टू बी होम्योमोरफिज्म तब आपका जो फंक्शन होगा वो होम्योमोरफिज़्म कहलाएगा जब वो उसकी जो मैपिंग होगी वो वन वन और ऑन टू होगी और वो फंक्शन खुद और उसका इन्वर्स कैसा होगा कॉन्टीन्यूस होगा सो so, ये कंडीशन होती है होम्योमोरफिज्म की अब आगे पढ़ते हैं टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ और टोपोलॉजिकल इन्वेरिएंट और इंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ तो देखिए अलग अलग नेमों से जाना जाता है मेन जो ये हैं ये जो लिखी हुई हैं ये होती हैं टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ इनको क्या बोल देते हैं टोपोलॉजिकल इन्वेरियंट भी बोल देते हैं और साथ में इंट्रेसिक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं अटोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी विच रिमीन्स इन्वेरियंट अंड्रा होम्योमॉरफिज्म ये बोल रहे हैं एक टॉपोलॉजिकल प्रॉपर्टी वो होती है विच रिमेन्स जो रिमेन करती है इन्वेरियंट अंड्रा होम्योमोरफिज्म जो रिमेन करती है इन्वेरियंट अंड्रा होम्योमोरफिज ठीक है क्लियर छोटी सी बात थी ये तो जो पता होनी चाहिए उसके बाद एक चीज़ और पढ़ते हैं हम ओपन मैप और क्लोज मैप ये क्या होता है ओपन मैप और क्लोज मैप अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था ओपन स्पेयर और क्लोज स्पेयर साथ ही साथ मैंने बताया था ओपन सेट और क्लोज सेट आज हम इसमें पढ़ना है ओपन मैप और क्लोज मैप क्योंकि ये चैप्टर जो है पूरा मैपिंग पर है तो इसमें मैप के बारे में पूछा है ठीक है और ओपन मैप को क्या क्या बोल देते हैं साथ में इंटीरियर मैप भी बोल देते हैं ये बात ध्यान रखना कि ओपन मैप कभी कभी डेफिनेशन आ जाती है डिफाइन इंटीरियर मैप अब बच्चे को ओपन मैप की डेफिनेशन तो याद है लेकिन उसको यही नहीं पता था कि इसको इंटीरियर मैप भी बोलते हैं वो छोड़ आया उसने स्किप कर दिया बाद में घर आके देखता अरे ये तो इंटीरियर मैप की डेफिनेशन का मतलब था ओपन मैप ये तो मुझे आती थी तो रिक्रेट करता है तो दोनों ही मीनिंग उसको पता होनी चाहिए कि ओपन मैप को ही इंटीरियर मैप भी बोल सकते हैं ठीक है अब मैप एफ एक्स कॉमा टी वाई कॉमा यू इज कॉल्ड ओपन मैप इफ इट इफ इट्स मैप ओपन सेट ऑन टू ओपन सेट ये कह रहे हैं कि कोई भी मैपिंग ओपन uh, मैप कहलाएगी कोई भी मैप ओपन मैप कहलाएगा इफ इट्स मैप यदि उसका मैप कैसा हो ओपन सेट ओपन सेट से ऑन टू ओपन सेट मतलब जो दोनों सेट्स में मैपिंग हो रही हो दोनों सेट्स की मैपिंग जो हो रही हो तो दोनों सेट्स कहते हो कैसे हों ओपन हो समझा आपने क्वेश्चन को समझा आपने सॉरी डेफिनेशन uh, को इसके टॉपिक को कि कोई भी मैप ओपन मैप कहलाएगा यदि उसमें जो दोनों uh, उसकी जो मैपिंग में दोनों ही सेट्स जो इंक्लूड हुए हैं इन्वॉल्व हुए हैं वो दोनों कैसे हों ओपन हो और उनकी मैपिंग ऑन टू तो वो आपका ओपन सेट कहलाती है क्लोज मैप अ मैप एफ एक्स कॉमा टी टेंस टू वाई एरो वाई कॉमा यू इज कॉल्ड क्लोज मैप इफ़ एनी टी क्लोज सेट इज़ यू क्लोज सेट यानी कि अब की बार दो मैपिंग दो साइड्स लिए हैं टी और यू दोनों कैसे होने चाहिए क्लोज सेट तो इसकी अपोजिट है कि इसमें दोनों साइड्स ओपन होने चाहिए और इसमें कैसे होने चाहिए दोनों साइड क्लोज होने चाहिए क्लियर यहाँ तक आपको समझ में आ गया अब देखिए बाकी सब थियोरम्स yeah. हैं थ्योरम्स को बाद में देखते हैं थियोरम्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे अब ये कुछ टॉपिक्स हैं पहले डेफिनेशन वाले टॉपिक्स को कम्प्लीट करते हैं तो देखिए एक टॉपिक है यूनिफॉर्मली बाउंडेड ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारी थ्योरम्स uh, में भी लिखा होता है यूनिफॉर्मली बाउंडेड बच्चा कंफ्यूज होता है कि यार इसका मीनिंग है क्या ये क्या चीज़ है यूनिफॉर्मली बाउंडेड का मतलब तो इसको पढ़ते हैं समझते हैं आ कलेक्शन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन एक ऐसा कलेक्शन जहाँ पर कैसे फंक्शन है रियल वैल्यूड फंक्शन है ए मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिख देते हैं एफ आई सच दैट एक्स एरो ओ आर डिफाइंड ऑन आर मेट्रिक स्पेस एक्स डी इस सेट टू बी यूनिफॉर्मली बाउंडेड ये बोल रहे हैं कि एक फंक्शन एक ऐसा कलेक्शन जो रियल वैल्यूड फंक्शन है यहाँ पर लिखा गया है रियल वैल्यूड फंक्शन है वो डिफ़ाइन करता है एक मेट्रिक स्पेस को और साथ ही साथ वो कहलाता है यूनिफॉर्मली बाउंडेड इफ़ कब कहलाएगा इफ़ देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ एक्स का मॉड यानी कि जो फंक्शन है उसका जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू के एम है फॉर एवरी कंडीशन फंक्शन जो है वो बिलोंग्स करेगा ए से अभी ए क्या है यहाँ पर ए ये पूरा एक कलेक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन का रियल वैल्यूड फंक्शन का जो कलेक्शन है वो ए है फॉर एवरी कंडीशन एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स तो ये हमेशा ध्यान रखना एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स का मतलब होता है एक्स कोई सेट है उसमें से कोई एलिमेंट लिया गया है स्मॉल एक्स ठीक है एक्स कोई सेट है उसमें से कोई स्मॉल एक्स एलिमेंट लिया गया है और उसे फंक्शन में रखा गया है तभी तो यहाँ पर एफ एक्स लिखा है तो उसको बोलते हैं हम अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो कैसा कहलाता है यूनिफॉर्मली बाउंडेड जैसे जैसे हम थ्योरम करते हैं थोड़ा सा और समझ में आता है बाकी मैट्रिक्स स्पेस में आपको थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लेके चलनी पड़ेगी अपनी बिल्कुल आपको आ, बिल्कुल ठीक से समझ में थोड़ा नहीं आएगा बिकॉज थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लेनी चल पड़ती है यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है इक्न कॉन्टिनस ठीक है इक्ट कॉन्टीन्यूस होगा ये अ कलेक्शन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन वो रियल वैल्यूड फंक्शन का कलेक्शन डिफाइन ऑन अ मेट्रिक स्पेस इज सेट टू बी ऑफ कॉन्टिन एपसाइला इज ग्रेटर देन जीरो देखो सेम बात है यहाँ पर भी रियल वैल्यूड फंक्शन चाहिए और आपको इक्व कॉन्टिनस में भी आपको रियल वैल्यूड फंक्शन चाहिए बस कंडीशन अलग है यहाँ अलग थी यहाँ पर क्या है यहाँ पर एपसायला की बात हो रही है एक और वेरिएबल की बात हो रही है डेल्टा की एप्साइला में लगाकर कर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है डी कोई फंक्शन लिया है हमने एक्स नॉट कॉमा एक्स वन पॉइंट्स लिए हैं एलिमेंट्स लिए हैं सेट के जो कि छोटे होंगे एप्साइला से फिर उसे फंक्शन में लगाया है यहाँ पर दो पॉइंट्स लिए थे मैंने एक्स नॉट और एक्स वन यहाँ पर जो एक्स नॉट और एक्स वन है ये दोनों ही कि दोनों ही कहाँ से बिलोंग करेंगे कैपिटल एक्स से ठीक है तो एफ एक्स नॉट फंक्शन लगाई माइनस एफ एक्स वन माइनस कर दिया दोनों को वो भी किससे होगी एफसाइला से छोटी होगी फॉर एवरी कंडीशन एफ बिलोंग्स करेगा ए से ए क्या था आपका रियल वैल्यूड फंक्शन कलेक्शन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन ठीक है कलेक्शन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन आपका ए था क्लियर हुआ अब यहाँ पर लिखा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग अच्छा और इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग भी होती है एक या फिर उनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग ये भी पता होनी चाहिए क्या होती है ये भी अच्छा टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेट कॉमा बी बी अ मैट्रिक स्पेस कॉमा डी एक मैट्रिक स्पेस है डी यहाँ पर डिस्टेंस फंक्शन को डिनोट करता है मैट्रिक स्पेस का जो फर्स्ट चैप्टर कराया था बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक स्पेसेस, इसका जो फर्स्ट चैप्टर कराया था मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक स्पेसिस उसमें मैंने बताया था कि डी डिस्टेंस फंक्शन को डिनोट करता है आ मैपिंग लगाई है हमने एक मैपिंग एक्सकॉमा डी एक्सकॉमा डी इज कॉल्ड कॉन्ट्रेक्टिंग या फिर कॉन्ट्रेक्शन मैपिंग ऑन एक्स और एफ इफ़ एंड ओनली इफ यहाँ पर आई एफ एफ लिखा है डबल एफ इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ नेसेसरी और सफिशेंट दोनों कंडीशन रखती है पॉजिटिव रियल नंबर डी इज लेस देन वन सच दैट यहाँ पर कैसे नंबर्स होंगे पॉजिटिव रियल नंबर की वर्ड्स को देखी देखना होता है जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं समझते हैं तो क्या करते हैं वहाँ पर हम की वर्ड्स ढूंढते हैं तो यहाँ पर कीवर्ड्स है पॉजिटिव रियल नंबर इससे प्रीवियस जो आपने यूनिफॉर्म बाउंडेड की डेफिनेशन पढ़ी इसका कीवर्ड था कि यहाँ पर एक कलेक्शन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन चाहिए था ठीक है सो पॉजिटिव रियल नंबर चाहिए होता है जिसकी ये कंडीशन होती है भारी भरकम ये आपको पूरी अच्छे से याद करनी होगी अपने माइंड में बिठानी होगी क्या होती है देखिए ऐसे समझ सकते हैं एफ एक्स वन एफ एफ एक्स कॉमा एफ वाई यानी कि फंक्शन में एक्स लिखा है वाई लिखा है और डी तो बाहर है ही वो क्या बन जाएगा लेस देन इक्वल टू अल्फा डी बाहर निकल जाएगा एक्स कॉमा वाई बचेगा एफ एफ गया है एक्स कॉमा वाई फॉर एवरी कंडीशन एक्स और वाई किससे बिलोंग करेंगे कैपिटल एक्स से सेम यहाँ पर डी एफ एक्स कॉमा एफ वाई लेस देन इक्वल टू एल्फा डी एक्स कॉमा वाई ये वाली चीज़ को आगे लेके चलना है लेस देन होगा डी एक्स वाई से ठीक है डी एफ एक्स कॉमा एफ वाई लेस देन है डी एक्स वाई से तो घुमा घुमा के एक ही बात लिखी है मेन बस यही समझना है आपको कि फंक्शन में अगर हम एक्स वाई लगाते हैं तो वो लेस देन इक्वल होती है एल्फा डी एक्स कॉमा वाई से एक ये भी है ये वाला और ये वाला टॉपिक है पॉइंट इसकी थ्योरम भी एग्जाम में नहीं नहीं एग्ज़ाम में थ्योरम नहीं आती एम में आती है इसकी थ्योरम बेनेट्स बेनिस्िक्सड पॉइंट थ्योरम एम में आती है तो बेनेट्स बेनिस्िक्सड पॉइंट थ्योरम क्या होती है इफ़ एफ इस कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग अब एफ़ एक ऐसा फंक्शन लिया है जिसकी मैपिंग कैसी है कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग है अभी बताया ऊपर कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग क्या होती है ऑन अ कम्प्लीट मेट्रिक स्पेस एक कम्प्लीट मेट्रिक स्पेस मैंने बताया भी है कम्प्लीट मेट्रिक स्पेस क्या होती है कम्प्लीट मेट्रिक स्पेस वो होती है जिसमें आपका जो सिक्वेंस है वो कन्वर्जेंस होता है सिक्वेंस जो होता है कन्वर्जेंस होता है वो मैट्रिक स्पेस आपकी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस कहलाती है तो एक ऐसी मैपिंग लेनी है जो कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग है और किस में ऑन आ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमेडी देन देयर एग्जिस्ट सच दैट एफ पी इज इक्वल टू पी इन अ यूनिक पॉइंट मतलब एक ऐसा आपको आ, इस थ्योरम में ये बात कर रहे हैं बैनिस मैथमेटिशियन ने जो बताइए बैनिस फिक्स्ड पॉइंट नाम से पता चला आपको फिक्स्ड पॉइंट एक पॉइंट के बारे में बताया होगा तो एक ऐसा फंक्शन लेना है जो जिसमें कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग है और मैट्रिक स्पेस पर है तो वहाँ पर एक जो यूनिक पॉइंट होता है जो फंक्शन पर अगर हम फंक्शन पर पी की वैल्यू रख दें तो हमें पी ही मिल जाता है मतलब जैसे कोई फंक्शन दिया है और आपको एक पॉइंट गिवन है जिसकी वैल्यू है वन तो जब आप उस फंक्शन में वन पुट करेंगे तो फंक्शन को सॉल्व करके ही दोबारा पी की वैल्यू आ जाएगी यानी कि वन आ जाएगा ये समझिए जैसे आपको कोई फंक्शन गिवन है और p पॉइंट कोई दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है वन तो जब आप फंक्शन में वो वैल्यू वन रखेंगे उसको सॉल्व करेंगे तो जो लास्ट में आंसर आएगा वो वन ही निकल कर आएगा यानी कि वो p की वैल्यू ही देगा यानी कि एफ पी इज़ इक्वल टू के पी सो यहाँ पर जो कीवर्ड था आपका ये था एफ पी इज़ इक्वल्स टू के पी आ यूनिक पॉइंट मिलेगा एक पी कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग होगी और साथ में कैसी होगी कंप्लीट मेट्रिक स्पेस के साथ होगी ये होती है बेनेज फिक्स्ड पॉइंट की डेफिनेशन और थ्योरम का स्टेटमेंट भी कह सकते हैं ठीक है यहाँ पर थ्योरम का स्टेटमेंट ही समझना जरूरी है कभी आपसे शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में पूछ दें तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना होगा ज़्यादा नहीं लिखना होगा तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थ्योरम्स को हम बाद में देखेंगे अपने फर्दर लेक्चर्स में अभी ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आई होप यू लाइक इट और आपको समझ में भी आया होगा कुछ चीज़ नहीं समझ में आई हो तो बार बार कहती हूँ मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मैं ज़रूर बताऊँगी थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज़ शेयर लाइक एंड कमेंट मोर 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 राधे राधे फ्रेंड्स